रात को सोने से पहले डेनिस उस डेड बॉडी को अपने बेड के पास खड़ा करके रखा। रिगर मोर्टिस के कारण उस बॉडी का हाथ ऐसे ऊपर उठा हुआ था। उस डेड बॉडी की आंखें भी खुली हुई थी। पूरी रात डेनिस को देख रहा था वो। एक हॉरिफिक सीरियल किलर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बिफोर वी बिगिन, वेलकम टू माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर सच स्ट्रेंज डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज। ये कहानी है अर्ली 1983 की, क्रैनली गार्डन्स अपार्टमेंट, नॉर्थ लंदन। वहाँ के लोग कंप्लेन करने लगे कि उनके ड्रेन में कुछ ब्लॉकेज है। इनिशियली लैंडलॉर्ड ने ये कह के इग्नोर कर दिया कि ओल्ड बिल्डिंग है और ओल्ड पाइप इसलिए स्लो होगा, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्लम्बर को भेजा चेक करने के लिए। 8 फरवरी शाम को एक एक्सपीरियंस्ड प्लम्बर माइक अपार्टमेंट में गए। क्या कंप्लेन है जान के उसने बिल्डिंग के साइड वाला एक ड्रेन का कवर ओपन किया। जब अंदर झांक के देखा तो एज एक्सपेक्टेड नैपकिन, बाल और भी चीज एक साथ जमा हुआ था। उसने हाथ अंदर डाल के वो सब निकाला और एक बकेट में रख रहा था। लगभग सारा कचरा निकालने के बाद जब उसने पूरा हाथ अंदर डाला ये देखने के लिए कि कुछ रह तो नहीं गया, तभी एक बड़ा ब्लॉकेज उसे फील हुआ। वो क्या था समझने के लिए उसने हाथ अंदर डाला तो वो कुछ सॉफ्ट सा चीज था जिसके अंदर कुछ हार्ड फील हुआ, जैसे रॉड या स्टिक जैसा कुछ। उसने जब वो चीज निकाला तो उसके हाथ में था मीट जैसा कुछ, लेकिन ऐसा मीट उसने पहले कभी नहीं देखा। मीट के अंदर हड्डी भी दिख रही थी। माइक ने पहले बहुत सारा पाइप क्लीन किया है, लेकिन उसने कभी नहीं देखा मीट के कारण कोई ब्लॉकेज। उसको बहुत अजीब सा लगा। उसने सोचा कि ऑलरेडी लेट हो गया है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपना सुपरवाइजर को लेके आएगा। वो ड्रेन का कवर लगा के निकल गए वहाँ से। वो जब बाहर जा रहा था तभी उस कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग उससे पूछने लगे कि क्या उसने ब्लॉकेज इशू फिक्स कर दिया, क्या था अंदर। उसने बताया कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया, पाइप के अंदर मीट जैसा कुछ है। ये सुनते ही उनमें से एक रेसिडेंट ने बोला कि आजकल लोग शायद KFC चिकन ड्रेन से फ्लश करने लगे हैं। माइक ने कहा शायद। उसके बाद माइक वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग माइक और उसके सुपरवाइजर उस कॉम्प्लेक्स में आए। माइक ने उसी ड्रेन को ओपन किया और हाथ अंदर डाला, लेकिन वहाँ कोई ब्लॉकेज था ही नहीं, जैसे किसी ने क्लियर कर दिया है। माइक श्योर था कि वो अपने आप क्लियर नहीं हुआ होगा, किसी ने तो किया है, लेकिन कोई रेसिडेंट ऐसा क्यों करेंगे, बाई चांस क्लियर हो गया होगा। तब उन दोनों ने डिसाइड किया कि बाकी सारे पाइप्स भी चेक करेंगे। सारे पाइप्स क्लियर थे एक्सेप्ट अपार्टमेंट नंबर 23 के पाइप। उस पाइप के अंदर था वही मीट। उन लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने लैंडलॉर्ड को पूरी बात बताई। लैंडलॉर्ड काफी डर गए जब उसे पता चला कि पाइप के अंदर मीट जमा हुआ है। उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आके अपार्टमेंट नंबर 23 के पाइप से वो मीट निकाला और पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा। पैथोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि वो मीट इंसान का है, बेसिकली वो इंसान के गर्दन है। पुलिस अपार्टमेंट नंबर 23 में जाके नॉक किया। दरवाजा खोलते ही एक बदबू आई। उस अपार्टमेंट में रहने वाला था अर्ली 40s का एक आदमी, डेनिस नेल्सन। पुलिस ने जब उससे कहा कि हमें तुम्हारे अपार्टमेंट सर्च करना है क्योंकि तुम्हारे अपार्टमेंट की पाइप से मिला है इंसानों का मीट, डेनिस बिल्कुल शॉक्ड हो गया। अब पुलिस ने उससे पूछा कि बाकी का बॉडी कहाँ है। एक्सप्रेशनलेस डेनिस अपने बेडरूम की तरफ दिखाया। उसने कहा कि उसकी वार्डरोब में 2 प्लास्टिक बैग में है। पुलिस ने जब पूछा क्या कोई और बॉडी भी है, डेनिस थोड़ा लंबा सांस लेके कहा हाँ और 15-16 होंगे। ये एक लंबी कहानी है। पुलिस ने डेनिस को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई। पुलिस स्टेशन में बैठ के उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि इस हॉरिबल कहानी की शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, 1978 में, जब डेनिस 33 इयर्स का था। एक शाम को वो पब जाके ड्रिंक कर रहा था, तभी एक टीनेजर आके अल्कोहल मांगा तो बार वालों ने उसे देने से मना कर दिया। डेनिस ने उसे प्रपोजल दिया कि अगर वो लड़का उसके साथ उसके अपार्टमेंट जाएगा तो वो उसे दारू पिलाएगा। उसका अपार्टमेंट पास ही में है। ये सुनते ही वो टीनेजर लड़का जिसका नाम था स्टीफन, वो बहुत एक्साइटेड हो गया और कहा लेट्स गो। डेनिस के अपार्टमेंट में आके दोनों ने बहुत दारू पिया, बात की, हंसी मजाक किया और दे स्लेप्ट टुगेदर। नेक्स्ट डे डेनिस उठ के देखा स्टीफन तब भी सो रहा था। उसे लगा कि स्टीफन जब उठेगा वो इस इंसिडेंट को बस एक वन नाइट स्टैंड कह के डेनिस को छोड़ देगा। डेनिस को ये मंजूर नहीं था। वो हमेशा के लिए स्टीफन को अपने पास रखना चाहता था। फ्लोर के ऊपर स्टीफन का नेक टाई था। उसने उसी टाई से स्टीफन की गला घोटने लगा। स्टीफन जाग गया था और खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन हार मान गया। स्टीफन मरा नहीं था, बस सेंसलेस हो गया। डेनिस किचन में जाके एक बकेट फुल पानी लिया,
फिर स्टीफन को ले जाके उसका नाक और मुंह उसमें डुबो के पकड़ के रखा जब तक उसकी जान ना निकल जाए। स्टीफन की मौत हो चुकी थी। डेनिस उसे लिविंग रूम के चेयर पे बिठा दिया। फिर उसने खुद के लिए कॉफी बनाया, सिगरेट पिया। स्टीफन के बॉडी को देख रहा था वो। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है और अभी बात करेगा। उसने स्टीफन की बॉडी को बाथरूम ले जाके क्लीन किया, उसके बॉडी और बाल को अच्छे से क्लीन किया, फिर उसको ड्रेस पहनाया और अपने बेड पे सुला दिया। डेनिस बहुत खुश था। स्टीफन अब उसे छोड़ के नहीं जाएगा। डेनिस का जब तक मन होगा वो उसे अपने पास रखेगा। थोड़ी देर बाद डेनिस को लगा कि उसे स्टीफन की बॉडी कहीं पे छुपाना चाहिए ताकि किसी का कुछ पता ना चले। वो हार्डवेयर स्टोर जाके एक इलेक्ट्रिक चाकू और एक बड़ा स्टोरेज बिन ले आया। घर आके वो स्टीफन के डेड बॉडी के पास ही थोड़ी देर के लिए सो गया। उठ के उसने स्टीफन की बॉडी को लिविंग रूम में ले गया, फ्लोर पे रख के एक ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। फिर डिनर बनाया खुद के लिए। टीवी देखते देखते उस डेड बॉडी के पास बैठ के उसने डिनर किया। उसके बॉडी को कहाँ छुपाया जाए ये सोचते सोचते उसे याद आया कि उसके अपार्टमेंट की एक फ्लोर का फ्लोरबोर्ड लूज है। उसने वो बोर्ड हटाया तो देखा उसके अंदर थोड़ी जगह है। उसने दो तीन और बोर्ड निकाला और फिर स्टीफन की बॉडी को उसके अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन उस डेड बॉडी में रिगर मोर्टिस ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। स्पेशली उसके हाथ ऊपर ऐसे वाई शेप में स्टिफ हो गए थे। उस छोटे से स्पेस के अंदर उसको घुसाना मुश्किल हो रहा था। तब उसने उस बॉडी को अपने बेडरूम के दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। स्टीफन के हाथ था ऊपर और आँख खुला हुआ था। डेनिस उसके बाद सो गया। पूरी रात वो डेड बॉडी वैसे ही खड़ा था उसके रूम में। नेक्स्ट डे डेनिस ने देखा वो डेड बॉडी तब भी उसकी तरफ देख रहा था। उसने बॉडी को फ्लोर पे रख के उसके हाथ को जोर लगा के नीचे किया, फिर उसको फ्लोरबोर्ड के अंदर डाल दिया। अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चला गया डेनिस। स्टीफन के बारे में भूल ही गया वो। एक हफ्ते बाद वो स्टीफन को मिस करने लगा। तब उसने स्टीफन की बॉडी निकाला, उसको नहाया और फिर चेयर पे बिठाया। फिर डेनिस ने खुद भी उसी पानी में नहाया जिसमें स्टीफन को क्लीन किया था। उसके बाद स्टीफन को ड्रेस पहनाया और फ्लोरबोर्ड के अंदर रख दिया। अगले 7 महीने तक स्टीफन वहीं पे रहा। फिर डेनिस को लगा कि उसके बॉडी को डिस्पोज कर देना चाहिए। उसने अपार्टमेंट के बाहर बॉनफायर में जला दिया उसकी बॉडी। डेनिस को लगा वो मर्डर करके भी बच गया, यानी वो फिर से कर सकता है। नॉर्थ लंदन के एटलीस्ट 15 लड़कों को उसने मारा, सबका आइदर गला घोटा या फिर पानी में डुबो के मारा। फिर एक एक बॉडी को महीना भर अपने पास रखा, वार्डरोब के अंदर, नहीं तो बेड के नीचे, नहीं तो कैबिनेट में। लेकिन 1983 में उसके अपार्टमेंट में बहुत सारा डेड बॉडीज जमा हो गया था। अब उसे लगा कि उसके ये सब बॉडीज डिस्पोज कर देना चाहिए। उसने बॉडीज को छोटे छोटे टुकड़े किए और ड्रेन से फ्लश करने की कोशिश की। तभी ये पाइप में ब्लॉकेज हुआ। माइक को वही मीट मिला था क्लीनिंग के टाइम। डेनिस ने सुना था कि माइक को ऐसा कुछ मिला है। उसी रात माइक जाने के बाद उसने पाइप्स को क्लियर कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके अपार्टमेंट की पाइप में ही अभी भी कुछ मीट रह गया है। डेनिस ने कॉन्फेस किया कि उसने 15 लोगों को मारा और एटलीस्ट 7 को मारने की कोशिश किया। डेनिस को लाइफ सेंटेंस मिला। उसे कोई पछतावा नहीं था। जेल से छुटकारा पाने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं थी। 2018 में जेल के अंदर ही 72 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई।